बढ़ के मार रही थी, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रही थी कि इलेक्शन किसी सूरत भी होना चाहिए। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए, अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए और मैदान में आके इलेक्शन के प्रोसेस का सामना करते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अक्सरियत को मैं देख रही हूँ कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनेटर, किसी को अथॉरिटी लेटर या किसी के पीछे छुप के कागजात जमा कराने की कोशिशें कर रहे हैं। आपका कानूनी हक है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन जो है वो हमेशा सीना तान के सामने आके लड़ा जाता है, लुका छुपी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते। और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके अब इंतहाबी अमल को तातल का शिकार करने के लिए कोई ना कोई ड्रामाबाजी रचाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें इंतहाबी अमल के अंदर कूदी हुई हैं। हर जमात जो है अब उसका जोरे बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बताएं तो लाहौर में पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जी अगवान फिरदौस आशिक अहमान मीडिया से गाल बोल कर रही हुई।